पंजाब में लगातार गुंडागर्दी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही, जिस कारण हर रोज लड़ाई झगड़े व मर्डर की वारदातें आम सुनने को मिल रही है। पटियाला में भी देर रात राजिंद्रा अस्पताल के बाहर परोठे खाने आए दो गुटों में एक हिंसक वारदात हुई, जो सारी की सारी वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इस लड़ाई में एक पक्ष के दो लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज किए हैं और जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि पीड़िता के अनुसार वे देर रात अस्पताल के बाहर पराठे खाने के लिए आए थे, तो उन्होंने देखा कि एक गाड़ी में बैठे नौजवान पराठे वाले को पैसे नहीं दे रहे थे। उन्होंने लड़कों को पैसे देने को कहा, लेकिन वह लड़के उन पर ही चाकुओं से और छुरियों से टूट पड़े और इसमें दो लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। आजाद टीवी न्यूज के लिए पटियाला से ब्यूरो रिपोर्ट। नहीं आया, उन्होंने साढ़े पे चाकू ना हमला करता, तो मेरा फोन, मेरी चेन स्नैच करके लैके गए, जिदा प्रूफ वीडियो हैगी है। उन्होंने फोन चकते हुए भी देखिए, वीडियो के सीसीटीवी भी सारा कुछ आया है, मेरा फोन चक के लैके गए हैं। तो मैं कहना चेन भी उन्होंने को होगी, जो मेरा फोन उन्होंने कोई हथियार वगैरह, कोई चाकू वगैरह या कोई पिस्टल वगैरह भी? चाकू के नाल बहुत डूंगे वार किए ने, पिस्टल इतने लाने की कोशिश की सी, वो एक बंद को हथियार भी सी, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਣਪਛਾਤਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਟੋਟਲ? ਉਹ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਦੱਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕੀ ਮੈਟਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਦੋ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ।